गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विद रागले सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ जाए जल्दी से मेले की सीरीज में। आज नया मेला चालू करते हैं जिसका नाम है बेटा मकर संक्रांति का मेला। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्त, याद रखना मकर संक्रांति का मेला, ठीक है ना? कौन सा? मकर संक्रांति का मेला, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है बेटा। कहाँ का? कुंडेश्वर का। कहाँ का प्रसिद्ध है बेटा? कुंडेश्वर महादेव मंदिर का। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्त, कुंडेश्वर महादेव मंदिर का कौन सा मेला बेटा? मकर संक्रांति का मेला। तो अच्छे से देखें, मकर संक्रांति का मेला कहाँ लगता है? कुंडेश्वर में। कुंडेश्वर जिला, कुंडेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर जो कि डिस्ट्रिक्ट जिला टीकमगढ़ में पड़ता है। किसमें पड़ता है बेटा? जिला टीकमगढ़ में पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं किसके? कुंडेश्वर महादेव पर स्थित मकर संक्रांति का मेला। ये जो मकर संक्रांति का मेला है, याद रखना इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि कहा लगता है? कुंडेश्वर महादेव। अब देखे दोस्त, एक कुंडेश्वर महादेव मंदिर है, प्लीज सभी लोग देखें जल्दी से, एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक है ना? और ये कुंडेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में ही बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है दोस्त, याद रखना। यह मंदिर किस पर दोस्त? याद रखना, जमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ के पास में, जिला कलेक्ट्रेट के सबसे पास में है। अर्थात की डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ जमुना नदी पर बसा हुआ माना जाता है। ये थी बेटा आपकी जमुनार नदी। जमुनार नदी पर स्थित कुंडेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध महादेव मंदिर है। ये जो कुंडेश्वर महादेव मंदिर है, याद रखना यह मंदिर बुंदेलखंड का याद रखना 13वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 13वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? और इसी मंदिर के बिल्कुल पास में ही जमुनार नदी पर आपको मिलेगा उषा कुंड वॉटरफॉल, उषा कुंड जलप्रपात इसी मंदिर के पास में मिलेगा आपको। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बनता है कि उषा कुंड जलप्रपात कहां पर है, तो डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ में कुंडेश्वर महादेव के पास में। साथ ही साथ में यहां पर इसका, इस मंदिर की एक और सबसे बड़ी विशेषता है कि पूरे मध्य प्रदेश में यहां पर एक स्पेशल दरोगा किस्म की बेलपत्री पाई जाती है। दरोगा किस्म की क्या पाई जाती है? बेलपत्री पाई जाती है बेटा, जिसे जीआई टैग के लिए नामांकित किया गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की या किस जिले की दरोगा किस्म की बेलपत्री, याद रखना किसकी? दरोगा किस्म की बेलपत्री, याद रखना जीआई टैग के लिए नामांकित हुई है। तो वो दोस्त कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ का कुंडेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर एक और अच्छी विशेषता है कि यह पूरे भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है, कुंडेश्वर महादेव मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो प्रतिवर्ष, याद रखना प्रतिवर्ष एक चावल जितना बढ़ता है, प्रतिवर्ष एक चावल जितना बढ़ता है, याद रखना चावल जितना क्या होता है बेटा? ये बढ़ता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाल ही में आपने सुना होगा कि कुंडेश्वर महादेव या कुंडेश्वर का नाम चेंज करके, ये जो कुंडेश्वर एक स्थान है याद रखना, इसका नाम चेंज करके शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा इसका नाम शिवपुरी किया गया है। क्या किया गया है? शिवपुरी किया गया है। तो इसका जो नया नाम हुआ है, याद रखना वो क्या हुआ है? शिवपुरी हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कुंडेश्वर महादेव से कि कुंडेश्वर महादेव मंदिर का मेला कहाँ लगता है और किस नदी के तट पर लगता है। तो ये लगता है बेटा जमुना नदी के तट पर लगता है, डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ में। चलिए साथियों, जय हिंद जय भारत।